नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां जमकर तैयारियों में लगी हैं, साथ ही बयानबाजी का दौर भी जारी है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के सुर आए दिन बदलने लगे हैं। ओपी राजभर बीते लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे, लेकिन बीते कुछ दिनों में बीजेपी भी उनके निशाने पर रही। अब एक बार फिर सुबह सपा प्रमुख ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। क्या कहा ओपी राजभर ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा के लोग और खास तौर पर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से काफी परेशान हैं। ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव इनडायरेक्ट बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ मायावती और कांग्रेस के पास वोट है, लेकिन वो ममता केसीआर और लालू यादव मिलाकर जितना वोट दिलाएंगे उतना कांग्रेस अकेले दिला देगी, लेकिन आप उससे गठबंधन नहीं करोगे। आपकी मंशा है कि हम नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं। वहीं सुबह सपा प्रमुख ने आगे कहा कि सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, ममता केसीआर और अखिलेश यादव सब मिलकर मायावती के यहाँ जाएं, वहाँ कहें कि नीतीश कुमार पीएम के दावेदार है। अगर मायावती नहीं मानती है तो आप उन्हीं को प्रधानमंत्री मान लो। मायावती के बयान में दम है, हम उससे सहमत हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केसीआर, लालू यादव, ये लोग यूपी में कितना वोट अखिलेश यादव को दिला पाएंगे। साथ ही ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि ये तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। अभी दूसरा बना ही नहीं है कि तीसरा बनाने लगे हैं। मोर्चा वो बनाओ जिससे वोट मिले। यहाँ मायावती के पास वोट है और कांग्रेस के पास वोट है, लेकिन आप उससे गठबंधन नहीं करोगे। जौनपुर में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास वोट है, लेकिन आप यहाँ गठबंधन नहीं करोगे। आप जा रहे हो ममता से गठबंधन करने। आप तीसरा मोर्चा बनाकर बीजेपी को जीत दिलाना चाहते हो तो खुलकर सामने क्यों नहीं आ जाते हो। ओम प्रकाश राजभर बीते कुछ दिनों से अखिलेश यादव और बीजेपी पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। अब ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम बताई है। वहीं इससे पहले मायावती ने भी अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम बताई थी। हालांकि उससे पहले अखिलेश यादव ने मायावती को बीजेपी की बी टीम बताई थी। देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर सारा ठेकड़ा फोड़ने में लगी है, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी बी टीम है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।